कि हारे तो आप हिमाचल में हैं, हारे तो आप दिल्ली के एमसीडी में हैं, हारे तो आप पांच पांच उपचुनाव हैं, तो जश्न मन किस चीज का रहा है? 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, 1.5 लाख परिवार गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, 150 लोगों की मौत का कारण क्या था मोरबी में, कौन गुनहगार है ये किसी को पता ही नहीं है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, वो स्थिति जस की तस बनी। तो जीत का सेहरा गुजरात में मोदी जी पर, यहाँ पर ठीकरा फोड़ा जाएगा किसी छोटे नेता पर? बलात्कारियों की रिहाई पर चुप हो जाते हैं, वो क्यों ड्रग्स पे चुप रहते हैं, वो क्यों दंगों पर चुप रहते हैं, वो क्यों बुलडोजर चलने पर चुप रहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं। 12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में इस देश में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली के नगर निगम में और 7 उपचुनावों में वोटिंग हुई। वोटिंग के नतीजे आने के बाद एक बात तो साफ है कि चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता दिल्ली के एमसीडी पर थी, गुजरात में थी और हिमाचल में थी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल हार गई, दिल्ली नगर निगम हार गई, 7 उपचुनावों में से 5 उपचुनाव हार गई और एक गुजरात जरूर जीता। तो हार और जीत का जो रेशियो है वो 3:1 का है। हारी है उपचुनाव हिमाचल और दिल्ली एमसीडी, जीती है गुजरात। गुजरात की प्रचंड जीत है, बिल्कुल प्रचंड जीत है, उसकी बधाई देते हैं। लेकिन क्योंकि गुजरात की जीत का सेहरा मोदी जी के सिर पर बांधा जा रहा है, तो यह भी बोला जाएगा कि गुजरात में चुनाव जीतने के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। 40 लाख लोग बेरोजगार हैं, 1.5 लाख परिवार गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, 22 पेपर लीक हुए हैं, 150 लोगों की मौत का कारण क्या था मोरबी में, कौन गुनहगार है ये किसी को पता ही नहीं है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं, वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। पर क्योंकि सेहरा मोदी जी को बांधा जा रहा है, ये सवाल पूछे जाएंगे। खैर, अब आते हैं हिमाचल पर। देवभूमि की देवतुल्य जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया है, 40 सीटों से बढ़िया बहुमत हासिल किया है। भाजपा की सिर्फ 18 सीटें ही नहीं कम हुई हैं, 6% वोट में भी गिरावट आई है। हमने तो खैर चुनाव मूल मुद्दों पर लड़ा था, चाहे वो पुरानी पेंशन स्कीम हो, अग्निवीर की खिलाफत हो, सेब बागानों की बात हो और बेरोजगारी से जूझते लोगों को राहत देने की बात हो। लेकिन सवाल यह जरूर बनता है कि हिमाचल का चुनाव भी मोदी जी ने अपने ही चेहरे पर वोट मांगा था, अपनी आत्मीयता बताते थे हिमाचल से, तो ठीकरा उनके सर पे क्यों नहीं फोड़ा जा रहा है? और तो और, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का तो ये गृह राज्य क्षेत्र है, उन्होंने बड़ी मनमानी से इधर उधर टिकट बांटे थे। तो जीत का सेहरा गुजरात में मोदी जी पर, यहां पर ठीकरा फोड़ा जाएगा किसी छोटे नेता पर? खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की भूमिका की। आम आदमी पार्टी की गुब्बारे की हवा तो इस चुनाव ने निकाली है। अरविंद केजरीवाल जी भविष्यवाणी करने वाले ज्ञाता बन गए थे, अखबार पे पेपर पे लिख कर देते थे कितनी सीटें आएंगी, 90 का दावा किया था गुजरात में, 5 पर आ गए। और तो और, बात करते थे हिमाचल में सरकार बनाने की, 0 वोट शेयर और 0 सीटें आई हैं। तो कोई पूछे अरविंद केजरीवाल जी से, आपने पहाड़ से पलायन क्यों किया और आप क्या सोच के गुजरात लड़ने गए थे? आप हर उस जगह क्यों जाते हैं जहां पर आप सेंध उन वोटों को मारते हैं जिसके कारण भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाए? खैर, ये उनका अपना मसला है और उनको अंततोगत्वा इस देश को बताना पड़ेगा कि उनकी विचारधारा क्या है। वो क्यों बलात्कारियों की रिहाई पर चुप हो जाते हैं, वो क्यों ड्रग्स पे चुप रहते हैं, वो क्यों दंगों पर चुप रहते हैं, वो क्यों बुलडोजर चलने पर चुप रहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं अब। और दिल्ली की जनता ने आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, ऐसे वैसे नहीं जिताया दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता ने आपको इसलिए जिताया है क्योंकि आप एक क्षेत्रीय दल है, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छी तरह से दिल्ली में कर पाइए, इसलिए दिल्ली की जनता ने जिताया है, क्योंकि आपकी आदत है दोषारोपण करने की और इधर उधर की बातें करने की। खैर, जो उपचुनाव हुए उसमें से 2 को छोड़कर 5 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में। इन चुनावी हार का मतलब क्या है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, जो कम आय का मुद्दा है, जो नफरती माहौल फैलाने का मुद्दा है, उससे यह देश उकता चुका है और निजात पाना चाहता है और इसी को लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तो मुझे तो उपचुनावों के परिणाम में बहुत शुभ संकेत नजर आता है।
अगर आप वाकई में देखिए तो गुजरात के बाहर इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जो बढ़िया जश्न मनाया जा रहा है वो एक्चुअली भ्रम जाल फैलाने का काम है। क्योंकि हारे तो आप हिमाचल में हैं, हारे तो आप दिल्ली के एमसीडी में हैं, हारे तो आप पांच पांच उपचुनाव हैं, तो जश्न मन किस चीज का रहा है? खैर, ये उनका मतलब है, ये उनकी बात है, वो जैसा चाहे करे। हम तो जिस जनता ने हमें हिमाचल में जिताया उसका अभिवादन करते हैं, और गुजरात की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि एक नई परिकल्पना से, एक नई सोच से, एक नए तरीके से आपसे फिर से जुड़ेंगे, आपका विश्वास जब तक हासिल ना कर लें दोगुनी मेहनत करेंगे और आपका विश्वास हासिल करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।